स्टूडेंट वेलकम टू जूनियर के जी क्लास. दिस इज योर माय मैथ्स प्री प्राइम्स बुक. ओके, इन अवर टूडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन यू वर्कशीट नंबर 75, वर्कशीट नंबर 76, वर्कशीट नंबर 77 एंड वर्कशीट नंबर 78. ओके, सो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यानी वर्कशीट नंबर 75 में सब्सट्रैक्शन दिया है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. ओके, वर्कशीट नंबर 75 सब्सट्रैक्ट. यहाँ पे 2 - 1 यानी 2 में से हमको क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है. सपोज यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं. अब 2 लाइंस में से हमको कितने कट करने हैं, 1, तो 1 को मैंने कट कर दिया है. तो मेरे पास कितने लाइंस लेफ्ट रहे, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 3 - 1 यानी 3 में से 1 माइनस करना है. सो सपोज यहाँ पे हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3. अब 3 में से हमको कितने कट करने हैं, 1, तो यहाँ पे हम 1 लाइन को कट कर देंगे. तो हमारे पास कितने लेफ्ट ओवर रहे, 1, 2, 2 लाइंस लेफ्ट रहे, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे. ओके, इसी तरह 2 - 2, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 1, 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे. 2 में से हमको 2 माइनस करना है तो 2 लाइंस को हम कट कर देंगे, 1, 2, तो हमारे पास कितने बचे, कुछ भी नहीं बचा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0. जब हमारे पास कोई भी चीज़ यानी कितने भी थिंग्स हो उतने के उतने ही थिंग्स को हम हटा दे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा. तो कुछ भी नहीं रहेगा का मतलब 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे. ओके, इसी तरह 4 - 2, तो यहाँ पे हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4. अब 4 में से हमको कितने माइनस करने हैं, 2, तो हम 2 लाइंस को कट कर देंगे, 1, 2, तो हमारे पास कितने लेफ्ट रहे, 1, 2 लेफ्ट रहे, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे. ओके, सो बाकी के भी आपको इसी तरह करने हैं. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट नंबर 76, सबस्ट्रैकिंग फ्रॉम 10 और लेस. 10 या उससे लेस थिंग्स को हमको क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट करना है. ओके, जैसे कि फर्स्ट है, हमारे पास कितने डॉग्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डॉग्स है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया है. अब 7 डॉग्स में से कितने डॉग्स को कट किया है, 1, 2 को, तो यहाँ पे 2 लिखा है. तो 2 डॉग्स को हमने कट कर दिया है तो हमारे पास अभी कितने अना डॉग्स लेफ्ट बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हमारे पास 5 डॉग्स लेफ्ट है. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ क्रेयॉन्स कलर्स के बॉक्स दिए हुए हैं. अब टोटल कितने क्रेयॉन्स कलर के बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 क्रेयॉन्स कलर के बॉक्स है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे. क्या लिखेंगे, 6. अब 6 में से कितने क्रेयॉन्स कलर के बॉक्स को कट किया है, 1, 2 को, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे. ओके, अब 6 में से अगर 2 बॉक्स को कट कर दिया है तो हमारे पास कितने है ना क्रेयॉन्स बॉक्स लेफ्ट रहे, तो 1, 2, 3, 4 टोटल हमारे पास 4 बॉक्स लेफ्ट हुए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट नंबर 77, सबस्ट्रैकिंग फ्रॉम 10 और लेस. इसमें भी सेम है, यहाँ पे कुछ ट्री दिए हुए हैं. टोटल कितने ट्रीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ट्रीज है. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7.
अब सेवन में से कितने ट्रीज को कट किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स ट्री को कट कर दिया है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। तो अब हमारे पास सेवन ट्रीज में से अगर 6 ट्रीज को कट कर दिया है तो हमारे पास कितने ट्री लेफ्ट रहे? 1, only 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, जो बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है उसे आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट नंबर 78, सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंसेस, यानी हमको नंबर लाइन का यूज़ करना है डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट दिया है 8 - 3, तो अब यहाँ पे 8 में से 3 माइनस करना है। एडिशन में हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट नंबर था उसमें हम पेंसिल रखते थे और जितना यानी उसमें ऐड करना था तो हम उसको उतने स्टेप आगे जाते थे तो हमको हमारा आंसर मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 है तो हमने 8 में पेंसिल रखा है, 8 में से कितना माइनस करना है? 3। तो अब हम यहाँ पे बैकवर्ड जाएंगे, उसमें हम फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाते थे, अब इसमें हम बैकवर्ड जाएंगे। तो अब 8 में से 3 स्टेप हमको कहाँ जाना है? पीछे जाना है, बैकवर्ड जाना है। तो 1, 2 and 3, तो अगर मैंने 8 में से 3 माइनस किया तो हमको आंसर कितना मिला? 5। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 5 - 4, तो यानी हम फर्स्ट किस में पेंसिल रखेंगे? 5 में। ओके, नंबर लाइन में 5 में पेंसिल रखेंगे और 5 में से कितने स्टेप बैकवर्ड जाना है? 4 स्टेप बैकवर्ड जाना है। तो 1, 2, 3 and 4, 4 स्टेप हम बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ गए तो हमको आंसर क्या मिला? 1, यानी 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ओके, सो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4 - 3, यानी हम पेंसिल का रखेंगे नंबर लाइन में 4 पर। ओके, और कितने यानी स्टेप पीछे जाना है हमको? 3 स्टेप, यानी 3 स्टेप हमको बैकवर्ड जाना है। तो 1, 2, 3, अगर 4 में से हम 3 स्टेप पीछे गए तो हमको आंसर कितना मिला? 1, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, उसी तरह बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, सो ये था आपका वर्कशीट नंबर 75, वर्कशीट नंबर 76, वर्कशीट नंबर 77, वर्कशीट नंबर 78। ओके, जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल्स आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बता दिए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसे आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक्स। सो बाय।